किसान भाइयों नमस्कार। हम आज दिखा रहे हैं आपको करेला परवल की अलान जो बनाया जाता है मचान, वो हम आज दिखा रहे हैं। और हमारे खेत में बन रहा है जो कि 1.5 एकड़ में बन रहा है और पहले से भी बना हुआ है, जो कि इसमें जो है ये जो गड्ढा खोदा गया है और इसमें ईंट बांध के तार को टाइट किया जाएगा। और आप देख रहे हैं और देखा जाता है कि जो हमारा कहां से खंबे का जो है एडजस्ट किया जाएगा और थोड़ा सा मिट्टी हटा के और खंबा को रख के, ये आप देख रहे हैं जो हम टाइट कर रहे हैं एकदम पूरे टाइट, और पूरे टाइट कर देंगे और फिर जो है उधर से भी टाइट किया जाएगा और सबका हाइट और लेवल एक बराबर रखा जाता है, जो कि ज़्यादा हो गया तो हम थोड़ा उठा दिए हैं। और आप लोग जो है हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम तार को जो है एक एक करके ऐसे छोड़ रहे हैं, आगे खींच रहे हैं और फिर टाइट करेंगे ये दूसरा तार। जो कि हमारे खेतों की लंबाई करीब 200 फीट है और चौड़ाई हो गया 240 फीट, मीटर में है 200 मीटर और 240 मीटर लंबाई चौड़ाई है हमारे खेतों की। और देख सकते हैं फिर वो तार को जो है इस तरफ अब टाइट किया जा रहा है, जो कि 4 आदमी से हम लोग कर रहे हैं अपने खेतों में ये अलान का काम। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको हम पूरे सिस्टम जो होता है इसका बनाने का वो हम दिखा रहे हैं। ये हुआ परफेक्ट तरीका और फुल टाइट हो गया। दस एमएम का तार जो है यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है और मजबूत भी रहता है। और एक बार ये बनाते हैं हम लोग अपने खेत में तो 3 साल तक जो है ये काम करता है। और देख रहे हैं वहाँ 2 आदमी से जो है टाइट कर रहे हैं और स्ट्रेट में ऐसे खंभे लगा रहता है, जो कि ये बीच वाला खंभा एक भी जमीन में नहीं धंसा रहता है, जमीन के ऊपर रहता है। इसी तरह करने के बाद जो है हम बीन